तो कैसे हैं आप लोग? हमारा बेस रेड हो जाने के बाद गाइज हमारे लोग पूछ रहे थे कि क्या करें हम अब, तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ लीव सर्वर। अब आगे देखो क्या होता है। अपना सर्वर छोड़ के हम इसी तरफ भाग रहे थे गाइज, लेकिन तभी अचानक मुझे याद आ जाता है। ये काहे रुक गया, चल भागते हैं यहाँ से। ओका, हमारा नाम ही नहीं पता। का जाइके अपना नाम बता क्या थे? लड़का नहीं, हमारा नाम एनके है, याद रही ना? एनके। गाइज हमारी कहानी यहाँ से शुरू होती है, ठीक है? जो भी रियल कहानी है गाइज, आप यहाँ से शुरू से आज देख लोगे क्या क्या हुआ है हमारे साथ। तो सबसे पहली बात गाइज, आप देख लो, मैंने मैप में दिखा दिया, मिलिट्री पे ड्रॉप आ चुकी है, मिलिट्री बेस पे, ठीक है? तो सबसे पहले मैं रेडी हो जाता हूँ, और साथ में मुझे पता है कि प्रो मिल भाई वहाँ पे जा चुके हैं, ठीक है? तो मैं यहाँ से कार्ड ले लेता हूँ, ताकि मैं उनको ड्रॉप ले जाने के बाद फिर मैं वहाँ पे अपना रूम करके सीधा अपने बेस पे आ जाऊँ, ठीक है? तो ये देख लो, हम यहाँ से कुछ कार्ड रख लेते हैं, और आर्मर भी है गाइज, ऐसी बात नहीं है कि आर्मर नहीं, ये देख लो स्टील वगैरह की पड़ी हुई है, तो मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है? यहाँ पर देख लो, आर्मर की कमी नहीं है, लेकिन मैं हाइड वाला ही लेता हूँ, क्योंकि अपने को केवल वहाँ पर रूम करने जाना था। और ये देख लो, अपन ने मतलब तीनों कार्ड यहाँ पे रख लिए थे, एक मैं गन रख लेता हूँ और उसके कुछ बुलेट्स भी। तो हम लोग फाइनली रेडी हो चुके हैं, अब चलते हैं गाइस जल्दी से अपने ड्रॉप के पास। भाई मैं यहाँ पे पहले एक बार पूछ लेता हूँ, कंफर्म कर लेता हूँ बैटल में, क्योंकि देखो गाइस हम ही दो लोग थे, दो हमारे ही बंदे थे जो कि ज़्यादातर एक्टिव थे, एक अपने पड़ोसी भाई की और एक हम लोग जो कि एक्टिव थे, और मैं तो उतना एक्टिव भी नहीं था गाइज, मैं केवल इवनिंग में आता था, और भाई मुझे दिन भर में थोड़ा सा काम होता है, तो इसीलिए मैं अपने काम को निपटाता हूँ, और मैं ऐसे गेम बहुत ही कम खेलता। तो यहाँ पे आप देख रहे हो गाइज कि प्रोमिल ने हमारे एक बंदे को मार दिया, ठीक है? लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर क्या पूछता हूँ गाइज, आप देख लो, आर यू ओके प्रोमिल? देख लो गाइज, ठीक है? अब मैंने ये क्यों पूछा गाइज, मुझे लगा कि मतलब रोविया ने कि कुछ प्रॉब्लम करा है प्रोमिल के साथ, ठीक है? मुझे अब आगे अभी से मतलब आप समझ लो ये कहानी मतलब बहुत पहले से हो रही थी गाइज, लेकिन मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, ठीक है? अभी से क्या होता है ये देख लो आप। तो ये देख लो गाइज, हम लोग फाइनली मिलिट्री बेस के पास आ चुके हैं, ठीक है? और ड्रॉप भी वहीं पे है, और मुझे पता है कि मैंने यहाँ पे रिपोर्ट में चेक कर लिया, केवल यहाँ पे अपना एक प्रोमिल ही है, ठीक है? और कोई दूसरा बंदा यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ गाइज, प्रोमिल तो मैं मुझे पता है कि वो ड्रॉप के पास है, क्योंकि ड्रॉप ओपन है। तो मैं यहाँ साइड से जाता हूँ, क्योंकि भाई मेरे को रूम भी करना था, और मैं ऊपर जाके सबसे पहले एक चेस्ट तोड़ने वाला था, और साथ में इनको बता देने वाला था, और मैं यहीं पे जो भी इनेमी आएंगे उनसे डिफेंस लेने वाला था ड्रॉप के पास, जो भी इनेमी आएंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ ऊपर चला आता हूँ, ये देख लो गाइज, ठीक है? और मैं आपको आगे सारा कुछ आप देख लोगे गाइज, किसकी गलती है ना क्या है आज आप खुद जान लोगे, ठीक है? अब मैंने क्या करा है ये आप खुद देख लोगे। यहाँ पे देख लो गाइज, आपको एक बंदा वो उछलता कूदता हुआ दिख रहा है गाइज, जो कि मेरे लिए अगर मुझे मारना होता तो ये यहाँ से मेरे लिए कोई भी बड़ी बात नहीं थी, मैं इसे इजीली यहाँ से किल कर दिया होता, लेकिन मुझे उसे मारना नहीं है गाइज, क्योंकि वो अपना ही बंदा, और रिपोर्ट में केवल एक ही बंदे का नाम शो हो रहा है, वो है प्रोमिल, ठीक है? तो मैं उसे मारना नहीं चाहता हूँ, लेकिन तभी अचानक हम पर फायरिंग हो जाती है, ये देख लो अभी भी हो रही है गाइस, ये देखो हमारा हेल्थ भी जा चुका है। अब मैं क्या करूँ बताओ, मतलब अगर आप होते तो क्या करते गाइस, क्या आप उसे फाइट करते, या केवल मतलब मैं सोचा कि चलो हम थोड़ा और नज़दीक चले जाते, हो सकता है तब वो बंदा शायद मुझे जान जाए कि यहाँ इनके आया है, नहीं मारना है आप केवल ड्रॉप में, सोचा था गाइस कि मैं उसकी थोड़ी सी हेल्प करूँगा ड्रॉप लूटने में, उसके बाद हम यहाँ से वो अपना चला जाएगा ड्रॉप लेके, फिर हम यहाँ से चले जाएंगे रूम करके। अब मैं उसको क्यों लेने दे रहा था ड्रॉप, ये भी बात है गई। देखो मैं यहाँ पे ड्रॉप तोड़ देता हूँ जान के कि भाई जा तू ड्रॉप लूट और निकल जाए यहाँ से, ठीक है? लेकिन वो बंदा तो मतलब कुछ अलग ही मूड में था, ये क्या कर रहा था ये देखो भाई, मेरे को मतलब मार ही दिया पूरा, ठीक है? मतलब समझ लो गाइज, या तो मतलब अगर आप प्रो हो चाहे जो भी हो गाइज, अगर आप अपने दोस्तों को छोड़ोगे तो यही हाल होगा, ठीक है? कुछ ज़्यादा ही बोल दिया ना दोस्त, हाँ चलो ठीक है दोस्त बोलनी है अभी, चलो कोई बात नहीं। अब यहाँ पे देख ले भाई क्या यहाँ पे उस बंदे ने लिख रखा है, और भी पूरी अच्छी से पढ़ना गाइज, मतलब आज जितना भी काम हुआ है ना गाइज चैट पे आप देख लेना क्या क्या उस बंदे ने कहा है। मैं यहाँ पे कहता नहीं रहने दे,
क्यों मतलब खुद को वो लोग प्रो मान रहे हैं। ठीक है, मैं उसको लिख देता हूँ यहाँ पे। रोबिया बोल रहे हैं, आज बोलूँगा ओपी मैक को कि तेरे टीममेट हमें मार रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ओपी मतलब मेरा जो बंदा होता है रोबिया, वो बोलता है कि हम आज बोलेंगे ओपी मैक को। ओपी मैक सुनने वाला कहाँ था यार जो तू बोलता। ठीक है, मैं इसे उसको बोल दिया भाई कि रहने दे, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, उसे मारने दे, वो बस खुद को अपना प्रो मतलब मान रहा है। इसने कुछ रॉन्ग वर्ड यूज करा था गाइस, तो मैंने इसको बोला भाई डोंट यूज रॉन्ग वर्ड, मतलब मेरे लिए नहीं उसी बंदे के लिए। ये देख लो भाई, आपके सामने कभी मैं यूज नहीं करना चाहता, वो बंदा बोल रहा भाई मैं आपके सामने कभी यूज नहीं करना चाहता, तो कोई बात नहीं। अब ये कि बंदा क्या बोल रहा, प्रोमिल बोल रहा कि जाके लूट लो अपनी लूट। वाह भाई वाह, एनके सूट मी फर्स्ट। ओ भाई, इससे अच्छा और क्या हो सकता है भाई कि एनके सूट मी फर्स्ट। मैं यहाँ पे लिखता हूँ भाई कि मैंने आपको सूट नहीं करा, आई नो आई जस्ट टैप यू, मतलब कि मैंने आपको सिर्फ एक दो बुलेट्स टैप करा, वो भी किस लिए गाइस, मैंने उसके ऊपर नहीं किया था, मैंने उसके ऊपर नहीं करा था, मैंने केवल इधर उधर ही करा था। अब वो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी किल, ठीक है, उसे मैं चाहता तो इजीली किल था वो मेरे लिए, तो इसीलिए मैंने उसको यहाँ पे लिख भी दिया भाई तुम मतलब मेरे लिए इजी किल था। व्हाट आई सी योर कार, मैं यहाँ पे उसकी कार देख लिया था कि उस भाई साहब ने अपनी कार से आए हुए थे, तो मैं उसकी कार यहाँ पे देख लिया था जो कि मतलब मिलिट्री बेस के नदी के उसी पार वो लगा के आए थे। ठीक है, आप मेरे को कमेंट जरूर से करना गाइस कि मतलब अगर आप होते तो क्या करते इस जगह। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे दूसरी बार फिर से आते हैं। अब दूसरी बार हम लोग यहाँ क्यों आते तो वो भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पर तो जो मैं दे ये जो बोले थे कि जाके अपनी लूट ले लो, तो एक तो वो लेने आए, तो मेरा कोई गन वगैरह मिला नहीं, ये सारा चीज़ ले गए। अब मैं बोला कि मुझे ये अब खेलने मज़ा नहीं आ रहा ये सर्वर, क्योंकि भाई यहाँ तो अपने ही बंदे अपने को मारने में पड़े हुए हैं, तो मेरी बात लास्ट तक ये सच्ची हो जाएगी गाइज, आप देख लेना, आप मतलब आज वीडियो पूरी देखना। ठीक है, यहाँ देख लो अवेंजर जो कि पीजी भाई अब बोलते हैं, इनके भाई एक काम करते चलो अब आ ही गए हैं तो अवेंजर को मारते हैं, और आप ये ले लो गन वगैरह ले लो, हम दोनों मिलके अवेंजर को मारते हैं। जो रोबिया तो मर गया, वो आया था M4 लेके, तो मैंने क्या करा कि उसकी M4 वगैरह जो थी मैंने उसकी ले ली गन। ठीक है, रोबिया मर के अपना बेस पे चला गया, फिर मैं बोला कि चलो ठीक है पीजी भाई दोनों मिलके जल्दी से अवेंजर को किल करते हैं। अभी देखना क्या होता है, फिर यहाँ पे हम लोग अवेंजर को मजे में किल कर रहे थे, लेकिन अचानक ही मतलब क्या ही बोलूँ गाइज कि हमारे एक पीजी भाई तो नॉक हो जाते हैं, फर्स्ट टाइम अवेंजर्स होते हैं, तो भाई अवेंजर की तो मतलब कुछ ज़्यादा ही हालत ख़राब हो गई थी देख लो। फाइनली अब ये अवेंजर किल होने ही वाला था हमारा, ये देख लो भाई अवेंजर जब भी इस तरह दौड़े गाइज, तो मेरे हिसाब से आपको इस टाइम फायरिंग नहीं करना चाहिए। ठीक है, मैं एक मतलब यहाँ पर टिप्स भी बता देता हूँ, ये देख लो ये कार आपको बहुत ही अच्छा कवर देगी, यहाँ पर आप इजीली अवेंजर को किल कर सकते हो। ठीक है, ये देखो बहुत ही इजीली आप यहाँ पे किल कर सकते हो अवेंजर को, और मैं यहाँ पर से ही शूट कर रहा था तभी यहाँ पे आप देख लो मॉन्स्टर अवेंजर मतलब मेरे दोस्त को नॉक कर देता है, जो कि यहाँ पे पीजी भाई यहाँ पे नॉक हो जाते। तो क्या करोगे गाइज, आपके पास दो चांस है, या तो आप अवेंजर पूरा किल कर दो या फिर अपने दोस्त को बचा लो, तो मैं यहाँ पे फाइनली अपने दोस्त को ही बचाना सही समझता हूँ, क्योंकि गाइज हम अवेंजर तो किल कर सकते हैं, लेकिन अगर अपना दोस्त मतलब मर गया तो उसे फिर से बहुत दूर से आना पड़ेगा। ठीक है, तो ये देखो गाइज अब फाइनली फिर से भाई प्रो मिला के हमारे बंदों को फिर से मार देता है, जो कि होते हैं हमारे पीजी भाई, ये देखो। अब फिर बोलता है मैं यहाँ पॉइंट मेरे को दो, मतलब कि प्रोमिल बोलता है पॉइंट मेरे को दो। वाह भाई वाह, अवेंजर किल करें हम, पॉइंट ले जाओ आप, इससे अच्छा और खुशी क्या हो सकती है हमारे लिए ना। तो ये देख लो फाइनली वो बोलते हैं पॉइंट हमारे को दो। अब ये देखो भाई प्रोमिल और उसका जो भी दोस्त लोग थे, प्रोमिल ने हमारे कैबिनेट को फाइनली डिस्ट्रॉय कर दिया जब मैं ऑफ गया हुआ था। प्रोमिल और इसके ये बंदे मतलब दो तीन बंदे मिलके मेरे कैबिनेट मतलब पूरा बेस, ये देख लो हमारा कैबिनेट लोकेशन भी ओके है, लेकिन हमारा कैबिनेट नहीं कहीं है। फाइनली इसका मतलब यही है गाइस, इसने मेरे कैबिनेट को डिस्ट्रॉय कर दिया, फाइनली रेड करा, अच्छे से एकदम रेड करा है, और फाइनली हमारा कैबिनेट पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया। अब आप बताओ गाइस कि आप यहाँ पे क्या करते, मतलब बहुत ही खुश होते ना गाइस कि मतलब कि वाह भाई वाह आपने हमारा कैबिनेट डिस्ट्रॉय कर दिया। तो मैं यहाँ पे अपने दोस्त को बोलता हूँ कि मेरा दोस्त यही बात पूछ रहा था क्या करें हम अब, तो मैं बोलता हूँ लीव सर्वर सीरियसली, मेरे को अब ये सर्वर तो अब पहले ही खेलने का मन नहीं कर रहा था गाइस, क्योंकि अपने ही बंदे अपने को मारने आए थे यहाँ पे, तो मैं समझ गया ओ भाई यहाँ तो कुछ और ही हो रहा है, हाल यहाँ कुछ और ही हो रखा है। मैं केवल पीजी भाई की बात पे आ गया था कि चलो आ जाते, चलो मतलब आप बुला लो उस बंदे को। ठीक है,
पीजी भाई ने बोला कि वो बहुत ही प्रो है ऐसे वैसे, मतलब बहुत ज़्यादा ही बोल दिए थे। तो मैं बोला कि चलो ठीक है, आप बुला लो उसको, कोई दिक्कत नहीं है अपने को, हम सबके साथ खेल लेते हैं भाई, मतलब ना ही हम प्रो है ना ही मतलब हाँ नुबड़े हैं, ठीक है लेकिन खेल लेंगे। तो ये देखो है, उसका बंदा एकदम अच्छा से मेरे मतलब बेस को रेड करता है, अपना टीसी वगैरह सब चीज़ लगा देता है, फिर मुझे फॉलो मी करके बुलाता है। अब देखना कि फॉलो मी करके क्यों बुला रहा है, ये देखो ये वही प्रोमिल है भाई, मतलब मुझे फॉलो मी करके बुला रहा है। अब ये कह रहा है कि भाई अब तुम अपना टीसी लगा लो, मतलब जो भी इन्होंने ज़रूरी सामान था वो अपने बेस लेके जा चुके हैं, ठीक है। ये देखो अच्छे से रेड कर दिया इन्होंने, हमारा टीसी वगैरह सब चीज़ तोड़ दिया है। अभी इनका कहना है भाई अब आप अपना टीसी लगा लीजिए। यह देखिए गाइस, देखो मैं यहाँ पे एक बढ़िया सा मैसेज देता हूँ गाइस, वेल्डन, ठीक है। ओ सिट, वेलकम लिखा गया, नहीं नहीं वेल्डन लिखना है मेरे को, वेल्डन, ओके। अब पता नहीं गाइस गलत है ना सही है, मैं तो चौथी फैल हूँ तो पता नहीं, ठीक है। ए ब्रो, नहीं ब्रो ओनली, वेल्डन ब्रो, ठीक है। बताओ जब आपकी कोई टीसी तोड़ेगा तो आप तो ही लिखोगे ना, आप क्या लिखोगे कि अच्छा मेरे दोस्त ने मतलब रेड कर दिया तो मतलब मैं नाराज़ हूँ, नहीं नहीं मैं तो खुश था यार, मैं वेल्डन लिखा उनको। ये देख लो भाई, वेल्डन लिखा, अपना टीसी लगाया और जो काम इन्होंने मुझे दिया था करने मैंने वही करा जाके। इनका इनका कहना था भैया आप जाके मतलब मेरी हेल्प कर दो, आपकी बेस मैंने रेड कर दिए, बस इसको पूरा हटाने में हेल्प कर दो, तो मैं वही हेल्प कर रहा था। ये देखो भाई, मैं हेल्प भी बहुत अच्छे से करा था, मैंने अपना पूरा बेस ही तोड़ डाला। ये देखो मतलब उनकी हेल्प तो करना बनता है ना यार। उन्होंने बोला, मतलब मैं फिर से यही बात बोलूँगा, उन्होंने अच्छे से बोला भाई कुछ चाहिए तो बोलना, शर्माना मत। बिल्कुल भाई, हम तो बिल्कुल नहीं शर्माएंगे। आप देख लो ऊपर मेरा ही मैसेज है गाइस, वेल्डन ब्रो, उसके बाद है पीजी भाई का मैसेज, हाँ, और फिर वो हंसते हैं और फिर बोलते हैं यहाँ से प्रोमिल भाई कि कुछ चाहिए तो मांग लेना, शर्माना मत। बिल्कुल भाई, हम तो एकदम नहीं शर्माने वाले, आपकी हेल्प कर दे रहे हैं, आगे भी करते आए, अभी फिर हेल्प कर देंगे। ये देख लो, तो यहाँ पे पीजी भाई मज़े ले रहे थे सबकी तरफ से, ठीक है। ये देखो रेड पर चले ना, क्या क्या मतलब वो बोल रहे थे। अच्छा अब पीजी भाई कहाँ मर रहे हो, यह देखो कहाँ मर रहे हो, इसका एक पार्टनर बोलता है। मैं बोलता हूँ चलो भाई, जब अपना बेस ही चला गया तो अब कोई भी बंदा क्या बोले। मैं मेरा पूरा फाइनल था गाइस कि अब तो ये सर्वर अब ऐसे भी लीव ही करना है। मैं अपने दोस्त को भी बोल चुका था, ब्रदर अब मेरे को ये सर्वर लीव करना है। लेकिन गाइस ये थोड़ा ज़्यादा हो गया ना, कि मतलब शर्माना मत, मांग लेना। भाई सुन, मैं कोई भिखारी नहीं, ठीक है यार। मेरे हमारे जो सोशल सर्वर था वहाँ मेरे दोस्तों ने कहा, आप ही लोगों में से खेलने वालों ने, कि भाई आप वहाँ पे जो एक स्टील का बेस बना हुआ है उसके कारण सर्वर लैग हो रहा है। मैंने पूरा स्टील का बेस उड़ा दिया था यार, अपना पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया था यार। ये तो आप दोस्त बन के आए थे शुरू में और आपने कहा भाई कि मतलब टीसी आपने मेरी रेड कर दी, ठीक है टीसी तोड़ दी, अब उसके बाद बचा ही क्या गाइस। देखो इतना ही सामान होता है, इतना बड़ा बेस था गाइस, मैंने आपको अपना लूट पहले भी दिखा रखा था, बस इतने मेरे बेस में आप लो खुद, ठीक है। बहुत सारे लोग बोलेंगे ना यहाँ पे, एक बंदा फिर ये यहाँ पे आता है तो मेरे को अब गुस्सा लग जाता है गाइस, तो मैं इसे क्या करता हूँ नॉक कर देता हूँ, उधर से प्रोमिल मेरे को नॉक कर देता है, तो यहाँ पे बात बराबर होती। अब ये कहता है गलत किया तूने, ओके भैया गलत किया, अब मैं आपको फॉलो टू कर लिया, मतलब मैं इनको बोलता हूँ फॉलो तो कर लिया, ये बोलता है फॉलो करो आई, फिर बोलता है गलत किया, मतलब मुझे बोल रहा है कि गलत किया तूने। भाई सुन, मारना है सामने मार, देख मैं यहाँ सामने खड़ा हो गया हूँ, ले मार, क्या हुआ ले मार। बंदा बेचारा अभी भी डर रहा है, निहत्ते बंदे से भी इसके बंदे डर रहे हैं, सोच लो गाइस अगर गन होता तो क्या कर दे। अब यहाँ पे देख लो इनकी पूरी मैसेज में एकदम अच्छे से दिखाता हूँ, फॉलो तो कर लिया, इसके बाद आप देख लो क्या क्या इन बंदों ने लिखा। ईगो हट कर दी इसकी, बंदा ने बोला कि मैं आपकी दो चार बॉल ही तोड़ा और आपने मतलब क्या करा, मतलब दो चार बॉल तोड़ा उसके लिए मेरे बंदे ने इसको रोकने की कोशिश की, तो इसकी ईगो हट हो गई भाई। ओ भाई यहाँ पे हंस के सिवा हम क्या कर सकते हैं, हंसने के सिवा। मतलब यहाँ पे हम मतलब जो भी कहना है गाइस, इसका साफ साफ कहना है भाई हमने रेड किया आपके बेस को, मैंने आपकी कैबिनेट डिस्ट्रॉय की और आपने क्या करा, अपने आप को मतलब दिखाने के चक्कर में मैंने अपना बेस पूरा तोड़ दिया गाइस। मैं ना ही यहाँ अपने आप को कुछ दिखाना चाहता था, मैं यहाँ पे फाइनली ये सर्वर भी पूरा लीव कर देता हूँ गाइस। लेकिन वही होता है ना गाइस कि मतलब जो कुछ बंदे ज़्यादा ही बोल जाते हैं। अब देखो गाइस मैं दोबारा इस सर्वर में क्यों आता हूँ गाइस, मेरा एक जो रोबिया फ्रेंड होता है वो मेरे को डिस्कॉर्ड मैसेज किया होता है
कि भाई मतलब यार अच्छा नहीं हुआ, ये हो गया वो हो गया। मैं बोला भाई अच्छा नहीं हुआ, अभी भी चाहें तो हम बाजी पलट सकते हैं, उतनी कोई बड़ी बात नहीं है हमारे लिए, ठीक है। वो बंदा बोलता है, चैलेंज करता है कि ठीक है इनके भाई, अगर तू करके दिखा सकता है तो करके दिखा दे। तो मैं बोलता हूँ चलो भाई आज आपको मैं कुछ दिखाई देता हूँ। तो ये देखो गाइस, सबसे पहला मैं आपको बताया गाइस, किसी को भी रेड करने जाओ तो ये हमें भीख के रूप में मिला था, 2x2 का स्टील बेस, और यहाँ पे इसके थे पूरे भरे कैनॉन। तो भाई मुझे, मेरा काम था सबसे पहले इस कैनॉन्स के बुलेट ख़त्म करना, जिसमें कि मेरे को करीब करीब 2 से 3 घंटे, मतलब 2 घंटे के लगभग में लगा इसके पूरे बेस को रेड करने में। अब मुझसे यहाँ पे गलती क्या हुई गाइज, मैं वो भी बता दूँ कि मेरा यहाँ पे रिकॉर्डर ऑफ हो गया था जब इसके बेस को रेड करा था। और आप ये साफ साफ देख सकते हो गाइज कि अब पॉइंट अब मेरे पास आ चुका था 620 पॉइंट, फिर भी मुझे इस पॉइंट का लालच नहीं था कि मुझे ये पॉइंट चाहिए। आइए जो आप डोर देख रहे हो, ठीक है, इस डोर को अगर मैं रेड नहीं करता गाइज, एक बात मैं आपको बता दूं, अगर डोर में रेड नहीं किया होता, ठीक है, तो मैं अपना डोर लगाने की ज़रूरत ही क्या पड़ती मेरे को। वो बोल रहे थे कि तूने एक डोर रेड किया और तूने जाकर टीसी तोड़ दी, भाई ऐसा नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे मेरे कुमार भाई भी ऑन थे रात को, 2-3 बजे के बाद है ये, ठीक है। तो मैं इसको बोलता हूँ ब्रो उस पर रेड कर दिया, ठीक है। तो कुमार भाई यहाँ पे देखो, कुमार भाई बोलते हैं कि भाई तो आपके साथ जो हुआ ये तो गलती हुआ, आपके बेस को उन्होंने रेड कर दिया था, अगर मैं रहता तो आपकी हेल्प कर, अगर आ सकता आपके सर्वे में तो हेल्प कर देता, लेकिन ये लोग मेरे को चीटर बोल रहे थे। ये देख लो भाई, मैं यहाँ पे दिखा भी दिया, वो लोग चूतिया चीटर क्या क्या बोल रहे थे आप खुद देख लो, ठीक है। तो यहाँ पे और भी कुछ फ्रेंड्स थे जो कि ऑन थे रात में और बोल रहे थे यार देख लो भाई प्रो मिल बंदे का, मतलब प्ले टाइम देखो गाइस 1400 घंटे का। अगर मैं अपने नूबड़े आईडी की भी प्ले टाइम दिखाऊँ ना गाइस, तो कम से कम 600 घंटे का है, ठीक है। मेरी और भी 2 आईडी है गाइस, मतलब खेलने के लिए, ठीक है, लेकिन मैं उनसे अभी फ़िलहाल नहीं खेल रहा हूँ। और मैं यहाँ पे बोलता हूँ ब्रो यू टेल मी सॉरी, मैं उन्हें बैटल में बोलता हूँ ब्रो आपसे मुझे सॉरी कहो। अब मैं सॉरी इसलिए बोलने के लिए कह रहा था गाइस, और ये देख लो मैं उनको क्या लिखता हूँ, पहले ये देख लेना गाइस, बढ़िया से पढ़ लेना। टेक योर पॉइंट्स, मतलब आप अपना पॉइंट ले लो, इट्स रियल ईगो, मतलब आपने जो उसमें ईगो दिखाया उसके सिवा ये है रियल ईगो, कि मतलब अगर बंदे को ख़त्म करना है ना गाइस तो उसको जड़ से ख़त्म करो, ये नहीं कि मतलब है नहीं कुछ और आप रेड करके अपने आप को प्रो दिखा रहे। अब यहाँ पे ओपी मैक बोलते फक ऑफ रोस्ट वीडियो भाई बीच नाउ वेट ईगो गई तेरी। आप पढ़ लो गाइस एकदम अच्छे से पढ़ना, ठीक है। आप भाई जब ये रेड कर रहा था ना तो यार नींद भी बहुत आ रही था मेरे को, तो मैं इनको कहीं पे एक भी रॉन्ग वर्ड यूज नहीं कराऊँ गाइस, क्योंकि आप लोगों को पता होगा जो भी चेंजेस आए हैं, ठीक है, रूल के हिसाब से, तो आप गेम में अगर रॉन्ग वर्ड यूज करते हो तो एक रिपोर्ट करने का अलग से सेक्शन आया है, जिसमें अगर आपने रिपोर्ट कर दिया और उसमें 2-3 बंदे मिल के रिपोर्ट करनी है उस सेक्शन के हिसाब से, डेवलपर ऑप्शन के हिसाब से जहाँ पे आया हुआ है, तो आप आराम से उस बंदे को बैन कर सकते हो 10 साल के लिए कम से कम, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको बार बार एक ही बात बोलता हूँ, सीटीआर बैटरी भी मेरी जा रही है, यहाँ पे मैं एक ही बात बोलता हूँ, आके सॉरी बोल और पॉइंट ले जा। मैं इसको यही बात बोलता हूँ भाई, देख लो ये मुझे बोलता है रुक तेरा हाल देख, अब मेरा हाल क्या दिखाएगा भाई, जब तू एनके को नहीं संभाल सका अकेला तो मेरी फौज से क्या लड़ेगा। और गाइज आप जान लो गाइज कि आप ही लोग हमारा फौज हो, ठीक है। ये बंदा मतलब बोल रहा है कि मतलब मेरा हाल देख, भाई आप पहले अपनी हाल तो देखो। मैं उनको बोलता हूँ हे डियर, मैं उसको सिर्फ इतना ही बोला गाइज कि आप मेरे को सॉरी बोलो और अपना पॉइंट ले जाओ, ठीक है, क्योंकि आप सर्वर का टाइम कम है गाइज, मुझे पता है कि आप लोग यहाँ देखो ये मतलब सॉरी की बात क्या, और मतलब ये मतलब गालियाँ पे गालियाँ दे रहा था, ठीक है, फिर भी मैं उसको अभी तक कम आई गिव यू फ्री, मतलब यहाँ पे मैं बोलता हूँ एनी वन नीड पॉइंट्स कम आई गिव यू फ्री, मतलब मुझे ये पॉइंट का ज़रूरत नहीं था गाइज, इसीलिए मैंने बोला। इसका एक फ्रेंड आया भी है देखो, लेकिन मेरे को फॉलो मी करके बाहर बुला रहा है भाई, मेरे को नींद यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही आ रही थी, ठीक। यहाँ पे देखो खुद की औकात ना है भाई, तो खुद ही किया हूँ, किसी को बुला के नहीं करवाया तेरा काम यहाँ पे कुमार भाई भी पूरे मजे ले रहे थे इसकी, ठीक है। मैं जो मतलब जो भी यहाँ पे बोल रहे थे ये मैं उसको बोल रहा, ये बोल रहा मतलब कुमार भाई बोल रहे कि अकेले ही उसको फिनिश कर दिया, तो मैंने बोला हाँ भाई उसको अकेले ही लूट डाला बंदे को कुमार भाई बोल रहे थे कि एक काम करते ना उसको किसी सर्वर में बुला ले, साले को मतलब नंगा करके भेज देंगे वहाँ से। मैं बोला भाई नंगा तो वो अकेले ही हो गया है, अब क्या नंगा करूँ उसको, ठीक है। यहाँ पे देखो और वो मेरी टीम से लड़ना चाहता है, ठीक है, मतलब वो जो बोल रहा था गाइज कि लीजन बस से लीजन आके कर ले, तो ब्रदर पहले आप तो मुझे तो संभाल लो यार, मतलब
अकेले एनके को जब आप चीटर बोल रहे, हैकर बोल रहे, यार तो पहले आके संभाल तो लो, उसके बाद मेरी रिलीजन को देख लेना, ठीक है। मैं उसको वही बात बोल रहा था। यहाँ पे देख लो गाइस, बोलता है कि मतलब करने की बाहर आ, मतलब मेरे को बाहर बुला रहा है। भाई मैं पहले भी आपको बोल चुका हूँ भाई, मेरे को नींद आ रही थी, मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब थक गया था, मतलब रात भर इसके चक्कर में लगे, फट गई क्या, मतलब मुझे पूछ रहा है फट गई क्या भाई। क्या ही बोलूँ यार, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वो तो दिख रहा है किसकी फटी है। आप खुद समझ सकते हो गाइस, इतना मतलब बंदे को देख के मतलब आप खुद सोच लो किसकी फटी है ना क्या फटी है। तो फाइनली गाइज मैं उसके बारे में कोई भी ऐसी मतलब ये नहीं बोलूँगा गाइज कि आप उसे जाके अनसब्सक्राइब कर दो या कुछ भी करो यार, बस आप लोग मज़े लो यार। लास्ट मेरी यही कहना है गाइज, जो भी वीडियो बनती है गाइज बस मज़े लो, ये सिर्फ मज़े के लिए मैं बनाता हूँ, ठीक है। अब मुझे किसी को नहीं कहना कि आप उसे सब्सक्राइब करो, किसी को अनसब्सक्राइब करो, बाकी गाइज आप खुद समझदार हो, ठीक है। फिर मिलते हैं।